बहुत नज़दीक समय आ गया, क्या आप जहानाबाद लोकसभा संसदीय क्षेत्र से क्या उम्मीदवारी के लिए सोचते हैं? ये तो बहुत पहले से ऐलान है, हमें तो 1734 गांव का। बिहार के जहानाबाद जिले के सामाजिक कार्यकर्ता और जन जन में पहचान बना चुके सत्येंद्र कुमार यादव ने आज मीडिया के सामने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने की घोषणा की। जनता हमें अपना बहुमूल्य वोट देकर जिताने का काम करेगी। सोन नदी का पानी फल्गु नदी में गिरेगी और जनता उससे लाभान्वित होगी, जिससे कि कृषि योग्य भूमि, बेहतर फसल उपजाऊ हो, जनता की हर समस्या सरकार तक पहुंचे और उसे त्वरित गति से निदान हो, हमारी प्राथमिकता होगी। उन्होंने कहा कि जनता की हर समस्या को दूर करना हमारी पहली प्राथमिकता होगी और हमें कोई पार्टी के आशीर्वाद की आवश्यकता नहीं है। मैं जन जन का सेवक हूं और जनता हमें चुनाव में उतरने को लेकर अपना आशीर्वाद देने के लिए तत्पर है। दिनेश कुमार की रिपोर्ट। बहुत नज़दीक समय आ गया, क्या आप जहानाबाद लोकसभा संसदीय क्षेत्र से क्या उम्मीदवारी के लिए सोचते हैं? ये तो बहुत पहले से ऐलान है, हमें तो 1734 गांव का भ्रमण हो चुका है ना, और बात है कि किसी पर डिपेंड होकर किसी पार्टी पर थोड़ी हमारी डिपेंड है। मैं तो निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा, हमें तो आम आदमी की मदद चाहिए ना, किसी नेता के भरोसे सत्येंद्र चुनाव नहीं लड़ेगा। दिनेश बाबू, अच्छा एक बात और है कि जैसे एजेंडा क्या रहेगा आम जनता के लिए? सर एजेंडा तो नेता लोग का रहता है, पार्टी वाले को एजेंडा रहता है। जैसे पार्टी वाले को है ना कि बीजेपी वाले को है एजेंडा कि जंगल राज भगाएंगे यदि हम सरकार में आएंगे। इधर महागठबंधन वाले का है कि बीजेपी भगाओ हम लोग को जिताओ, ये एजेंडा नहीं है। एजेंडा ये है कि चुनाव जीते तो भी, आज तक नहीं जीते हैं तो भी आम आदमी के लिए जिए हैं, आम आदमी के लिए जिएंगे। यदि चुनाव जीत गए और जिस हिसाब से हमें मिल रहा है तो चुनाव कोई हराने भी नहीं जाएगा, इसलिए कि आम आदमी मेरे साथ हैं। जगदेव बाबू ने बोले थे कि 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, तो कंप्लीट मान लीजिए कि 100 में 90 वोट हमारा है। और चुनाव जीतने के बाद पहला ये संकल्प है कि सोन के पानी को फल्गु तक पहुंचाना आम आदमी का अधिकार घर तक पहुंचाना। अपना नाम बताइए। सत्येंद्र यादव नाम हुआ।